वेलकम टू NV Edu क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 8th क्लास का क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में हम जो है वो पढ़ेंगे क्रॉप होती क्या है। पहले तो हम ये समझते हैं कि क्रॉप क्या है। हमारा जो लाइफ है वो जो है उसको चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमको मिलती है फूड से। और जितने भी फूड हैं हमारे वो हमें मिलते हैं प्लांट से। तो प्लांट्स सभी प्रोड्यूसर होते हैं और इन प्लांट्स को उगाने के लिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन की स्टडी करनी जरूरी है कि कैसे प्लांट्स उगते हैं। तो ये जो है किस तरीके से हम ये समझेंगे कि ये जो है क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन है क्या। क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं एग्रीकल्चर क्या है। ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी प्लांट्स को और एनिमल्स को पालना, प्लांट्स को उगाना, एनिमल्स को पालना अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए। यानी कुछ लोग जो है नॉन वेज होते हैं वो अपने खाने के लिए एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, और पहनने के लिए जैसे कि कॉटन उगाई जाती है तो वो एग्रीकल्चर में आ जाती है। एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको प्लांट से मिलती हैं। सो इनको उगाने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो सब एग्रीकल्चर कहलाता है। अब एग्रीकल्चर में हमने अभी बताया आपको कि जैसा कि हमको एनर्जी मिलती है, जितने भी एनिमल्स हैं एनर्जी हमको मिलती है फूड से। और ये जो फूड है हमको कहां से मिलता है, प्लांट से और कुछ जो है फूड जो लोग नॉन वेज होते हैं वो हमको एनिमल से भी मिलता है। सो इस तरीके से एग्रीकल्चर यानी क्रॉप तो ये हो गए एग्रीकल्चर। अब क्रॉप क्या चीज है, क्रॉप क्या है? एनी प्लांट दैट इज कल्टीवेटेड, क्रॉप ये है। एनी प्लांट दैट इज कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग और एनी अदर यूज इज कॉल्ड क्रॉप, दिस इज कॉल्ड क्रॉप। अब हमारे क्या है फूड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? अब हम क्या क्या खाते हैं, खाते हैं सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं। तो सीरियल्स में क्या क्या आता है, सीरियल्स में है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सीरियल्स में ग्राम यानी चना और जितनी भी राइस, मेज, ये तो हो गई सीरियल्स। फ्रूट्स में जितनी भी सीरियल्स में मतलब सारी दालें आती हैं, अरहर, मूंग जितनी भी हैं। और फ्रूट्स में एप्पल और बनाना, सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। वेजिटेबल्स, अब इसमें वेजिटेबल्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि कुछ हमें रूट्स से मिलती हैं। रूट से जो मिलती हैं कौन कौन सी हैं, रेडिश और कैरेट, बीट, ये हमको रूट से मिलती हैं। और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, लीफ जो पार्ट खाया जाता है वो होते हैं जैसे स्पिनच, और
जो कुछ फूल खाए जाते हैं, फ्लावर पार्ट होता है, कॉलीफ्लावर, तो ऑल दीज, ये जो है इस तरीके से हम किसी प्लांट का तो हम खाते हैं, रूट किसी की हम खाते हैं, लीफ और किसी का फ्लावर खाते हैं, और किसी का स्टेम। स्टेम कौन कौन से खाए जाते हैं? स्टेम जो है किसका खाया जा सकता है? आप इमेजिन करिए, पोटैटो, पोटैटो का जो है वो स्टेम खाते हैं, जबकि हमें लगता है कि वो जो है रूट है, वो रूट नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं? क्रॉप्स की टाइप्स जो है वो हैं, टू टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में टू टाइप्स की क्रॉप पाई जाती हैं। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप, सेकेंड इज रवी क्रॉप। खरीफ की क्रॉप जो होती है ऑटम क्रॉप होती है, और रबी की क्रॉप जो होती है स्प्रिंग क्रॉप होती है, यानी दोनों के अलग अलग मौसम होते हैं। ये ऑटम क्रॉप जो में उगाई जाती है खरीफ, और रबी जो है स्प्रिंग क्रॉप है। खरीफ की क्रॉप जो होती है वो जून में उसको प्लांट किया जाता है, यानी लगाया जाता है, जून में लगाई जाती है। जबकि रबी की जो क्रॉप होती है वो नवंबर में लगाई जाती है, और इसकी जो फसल तैयार हो जाती है हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। और ये जो खरीफ की क्रॉप होती है वो अक्टूबर में जो है हार्वेस्ट की जाती है, यानी तैयार हो जाती है, और रबी की क्रॉप जो है वो अप्रैल में तैयार हो जाती है। और इस तरीके से ये ऑल्टरनेटली उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। अब ये जो है खरीफ की क्रॉप जो है वो डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ, ये अपने उगने के लिए मानसून यानी बारिश पर डिपेंड रहती है, रेन की जरूरत होती है। जबकि रबी की क्रॉप को उगने के लिए कोई बारिश की जरूरत नहीं होती है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, रबी की क्रॉप के हैं राइस और मेज, और खरीफ की हैं, ये है राइस और मेज, और खरीफ के हैं वीट, बारले और पीज। अब हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? अब हमारा मेन इस चैप्टर में शुरू होता है, मेन इसका पार्ट वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसके बारे में एक फ्लो डायग्राम हमने कल भी आपको समझाया था, यानी इससे पिछले वीडियोस में आपको हमको बताया था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। जैसे कोई भी अगर हम फसल तैयार करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी कुछ तैयारी करनी पड़ती है, कि पहले तो उसका मौसम, किस मौसम में कौन सी फसल तैयार करनी है हमें। उसके बाद हमें उसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है, उसके लिए मिट्टी तैयार की जाती है। फिर उसके बाद मिट्टी तैयार करने के बाद कैसे बीज होने चाहिए, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज होना चाहिए, कहाँ स्टोर करके रखना है। तो ये सब जो तैयारी करने के लिए हम जो है स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो ये है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू एंश्योर ए गुड क्रॉप, टू एंश्योर ए ग्रुप गुड क्रॉप यील्ड, फार्मर कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटीज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस टिल द क्रॉप मैच्योर एट हार्वेस्ट। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। स्टेप इन्वॉल्व्ड इसमें जो स्टेप्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती हैं इसको, इसमें जो स्टेप्स हैं वो हैं सॉइल प्रिपरेशन, सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, इरिगेशन, या इरिगेशन का मतलब है वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग। इसको हमने सॉइल को तैयार करना, कैसी सॉइल होनी चाहिए, इसको भी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो जो कि हम बताएंगे। सेलेक्शन ऑफ सीड्स कि किस तरीके के बीज बोने चाहिए, और इन बीजों को भी हम दो तरीके से बो सकते हैं, मैनुअली और उसको सीड ड्रिल से। दूसरा, इरिगेशन, वाटर कैसे पहुंचेगा उन पौधों तक,
वो भी इस ये पढ़ेंगे इसमें हम, और वीड्स का मतलब होता है जो पौधों के साथ खरपतवार उगवाती है उनको हम वीड्स कहते हैं, उनको हम कैसे हटा सकते हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, और इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सॉइल प्रिपरेशन में, सॉइल जो होती है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, ये सॉइल प्रिपरेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब है उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स डालने चाहिए, हमें कैसे फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, वो नेचुरल भी हो सकते हैं केमिकल भी हो सकते हैं। प्लोइंग का मतलब उसको जो मतलब जोतना, मिट्टी में हल से जोता जाता है, कुछ मशीन के जरिए ट्रैक्टर के जरिए भी होने लगी है। फिर उसके बाद लेबलिंग होती है और उसके बाद उसमें खाद डाली जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें कैसे, इसको अगर हम एग्जांपल को समझें तो इसमें क्या है, पहले हमने ये एग्जांपल दिया है कि ये हमने बीज बोए, बीज ये गेहूं के दिखाए हैं, ये गेहूं के हमने बीज बोए। उसके बाद यहां पर ये कुछ हफ्तों के बाद इसमें ये इस तरीके से ये उगाती हैं बालियां, इसमें ये बालियां उगने के बाद वो कुछ इस टाइप से दिखाई देने लगती हैं, उनमें ग्रोथ होने लगती है और ग्रोथ होने के बाद फिर वो फाइनली इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये हमारा इस तरीके से ये तैयार हो जाती है, ये पूरा रेडी, ये 6 महीने में हमारी इस तरीके से ये तैयार हो जाती है फसल, ये वाला पोर्शन बालियां दिखाई नहीं देती। इसके बाद ये जो है इसको पीट के इसमें से बीज निकाल लिया जाता है और जो कि खाने के काम आता है। अब हम आते हैं हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल हम किस तरीके से तैयार करेंगे, सॉइल किस तरीके से तैयार करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज द मेन मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट्स मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर सॉइल वेल फॉर हेल्दी प्रोडक्शन, दिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसीजर। इसमें निम्न प्रोसीजर यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, सॉइल को तैयार करना बहुत जरूरी है कि अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी और उसमें सॉल्ट अगर ज्यादा होंगे, नमी ज्यादा होगी, तो उसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए बीज में, और मेन पार्ट होता है मिट्टी अगर ठीक नहीं होगी तो हमारी फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी। सो इट इज द मेन पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट हमारा आता है प्लोइंग, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा आता है प्लोजिंग, के कैसे हम तैयार करें फर्स्ट स्टेप। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टिलिंग। लूजनिंग क्या होता है कि उसको कुछ इक्विपमेंट्स के जरिए, एक हम अभी दिखाएंगे, उनके जरिए इसको जो है खोद लिया जाता है, खोद लिया जाता है, इसे मतलब है मिट्टी को ऊपर नीचे उसको खोद लेते हैं। खोद लेने से क्या होगा, वो मिट्टी लूज हो जाती है, लूज होने को ही हम कहते हैं लूजनिंग। यानी क्या क्या लूज करने का हमें क्या मतलब है, इम्पोर्टेंस क्या है लूजनिंग ऑफ सॉइल। लूज सॉइल हैव एयर स्पेस विच हेल्प द रूट्स टू ब्रीथ। जब वो उसको खोद लिया जाता है तो हवा उसमें इजीली पास होने लगती है और आसानी से रूट्स को सांस लेने में हेल्प होती है। लूज सॉइल रिटेन मॉइस्चर, उसमें पानी की मात्रा को एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ जाती है और वो लंबे समय तक उसको पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकती है क्योंकि उसमें हवा भरी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प टू रिमूव वीड्स एंड अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स इन द फील्ड। तो अगर लूज होगी सॉइल तो उससे हम जो वीड्स उगाएंगे उसको हम आसानी से उखाड़ सकते हैं। तो उखाड़ने के लिए हमें, अगर सॉइल जो है वो अगर टाइट होगी तो हमको जो वीड्स निकालने में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद है लूज सॉइल मिक्सेस वेल विद मैन्योर एंड एब्जॉर्ब्स फर्टिलाइजेशन मोर इजीली। उसमें से अगर लूज सॉइल होगी तो उसमें मैन्योर यानी खाद अच्छे से मिलाई, मैन्योर को मतलब गोबर की खाद होती है, अभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, गोबर की खाद
और हड्डियों की खाद होती है वो उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, फर्टिलाइजर्स मोर इजीली। रूट्स ऑफ प्लांट्स रीच डीपर, अब जब अगर लूज होगी सॉइल तो उसकी जो रूट्स होंगी वो डीपली उसमें पेनिट्रेट कर जाएंगी लूज सॉइल। दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली, और उससे उसकी जो जड़ें होंगी वो आसानी से फैल जाएंगी, अंदर तक फैलने का काम करती हैं। दूसरा पॉइंट आता हमारा टिलिंग। टिलिंग को हम बोलते हैं प्लोइंग। प्लोइंग इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सॉइल इज टिल्ट विद द हेल्प ऑफ टूल्स कॉल्ड प्लोज। प्लोज के जरिए इसको टिल किया जाता है। प्लोज आर ड्रोन बाय बुलोक्स और ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स और बुलोक्स के जरिए इसको खींचा जा सकता है। टिलिंग इज आइदर डन बाय वुडन प्लोज एंड आयरन प्लोज। ये जो टिलिंग है वो लकड़ी के बने एक फावड़े टाइप के जो होते हैं, नुकीली चीज होती है, उसके जरिए या आयरन के प्लोज के जरिए इसको हम कर सकते हैं। ये हमने कुछ डायग्राम यहाँ पर शो की हैं, ये हैं, ये और एक ये है आयरन प्लो एंड वुडन प्लो। ये हैं आयरन प्लो एंड वुडन प्लो। ये जो है बी वाला, ये तो है वुडन का, और इसके ऊपर जो है वो ये वुडन का है और ये है आयरन का। तो इससे जो है मिट्टी इजीली टिल की जाती है। इसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबलिंग। लेबलिंग, अब मिट्टी को हमने क्या किया, प्लोइंग कर लिया, टिलिंग कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबलिंग। लेबलिंग कैसे होती है? मिट्टी को तैयार करने के लिए सेकंड स्टेप आता है लेबलिंग। टिल्ट सॉइल मे हैव बिग ब्लॉक्स ऑफ सॉइल। अब वो मिट्टी के कुछ कुछ बड़े बड़े टुकड़े उसमें रह जाते हैं, उनको तोड़ना ही लेबलिंग है। उसको हम तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर आफ्टर टिलिंग द सॉइल नीड्स टू बी लेबल्ड प्रॉपरली, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन लेबलर। और ये इसमें भी एक भारी भारी लकड़ी के और या उसके लोहे के जो होते हैं लेबलर होते हैं, और मिट्टी को आसानी से वो लेवल में ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है मैन्योरिंग, यानी उसमें हम जो है किस तरीके से खाद मिलाएंगे। थर्ड स्टेप हमारा आता है मैन्योरिंग, अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। या उसमें फर्टिलाइजर्स भी दो प्रकार के होते हैं, वो हम बताएंगे। After leveling, farmers need to be checked the fertility of soil, how much manure is required. अब हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें कि उसमें कितनी फर्टिलाइजर्स की यानी कितने मैन्योर की उसको जरूरत है। वो हम डिपेंड करता है हमारी सॉइल कैसी है और हमारी फसल किस टाइप की है। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या है? सॉइल फर्टिलिटी इट इज अ मेजर ऑफ अ लैंड्स कैपेसिटी टू सफिशिएंटली प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स को उगाने के लिए ये एक माप होती है कि हमें कितनी फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी आर्टिफिशियली, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं फार्मर्स जो हैं। अब ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर एक होता है नेचुरल फर्टिलाइजर, वो आपने शायद कभी सुना भी होगा। नेचुरल फर्टिलाइजर क्या है वो अभी बताएंगे, लेकिन एक है आप, ये हमारा इको फ्रेंडली भी होता है, ये है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो इसको हमारा फार्मर्स का इसको फ्रेंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खाने के बाद उसमें जब निकालता है तो उसके जो भी एंजाइम्स होते हैं, जो भी उसके डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब उसमें मिल जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो मिट्टी में मिलने के बाद वो फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और वो एक तरीके से खाद का काम करते हैं। आपने कभी देखा होगा
कि बारिश के दिनों में जहाँ केचुए ज्यादा मिलेंगे आपको, वहां पर गोल गोल छोटी छोटी गोलियां सी दिखाई देती हैं। वो गोलियां जो होती हैं वो इसकी केचुए की यानी अर्थवर्म का ही वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। सो इसको हम जो है, इसीलिए अर्थवर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, इसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दिस इज बिकॉज बोरिंग एक्शन ऑफ अर्थवर्म्स हेल्प्स टू लूजन द सॉइल पार्टिकल्स। अब जो काम हमने सॉइल को लूजनिंग के लिए उसमें इक्विपमेंट का यूज किया, लेकिन ये जो केंचुआ है वो नेचुरली उसको करता लूज कर देता है। इन द प्रोसेस दे इम्प्रूव द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, इम्प्रूव द स्ट्रक्चर, मिक्स एंड टिल द सॉइल, एड टू ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये तो हमारा हो गया जो है किस तरीके से केंचुआ हमारा एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है और टिलिंग और प्लोइंग का भी काम कर देता है बिना इक्विपमेंट के, इसीलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता भी है कि इसको फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो है वो ये हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द नेचुरल और केमिकल सब्सटेंसेस विच कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। दीज आर ऑफ टू टाइप। ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइजेशंस जो होते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैन्योर यानी एनिमल वेस्ट जो होता है वो होते हैं एनिमल वेस्ट, नेचुरल फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर। इसका एग्जांपल है मैन्योर और बोन मील। मैन्योर जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव फ्रॉम द एनिमल वेस्ट एंड द प्लांट रेसिड्यू। प्लांट्स को जो उसमें इकट्ठा कर देते हैं कुछ लोग, और उसमें गोबर की खाद जो होती है वो ही उसी को मैन्योर कहा जाता है। और बोन मील जो होती है वो होती है मिक्सचर ऑफ क्रस्ट बोन, पिसी हुई हड्डियों का चूरा। और इसके अलावा एक और आता है नीम की खल। नीम की खल जो होती है वो भी एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। नेचुरल फर्टिलाइजर हमने ये पढ़े। अब है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। ये केमिकल के बने होते हैं और फैक्ट्रीज में बनते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर एनपीके फर्टिलाइजर। एनपीके जैसे कि लिखा हुआ है वैसा ही इसका नाम है, नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। दीज आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दीज आर इजीली सॉल्यूबल इन वॉटर and can be readily absorbed by the plants. These are easy to store and handle. These are used by spraying through irrigation canal. तो इस तरीके से जो है ये easy to handle होते हैं, इनको आसानी से हम कहीं भी store करके रख सकते हैं। और इनको हम कैसे use करते हैं? These are used by spraying और थ्रू इरिगेशन कैनाल ही आती है। इसको हम जहाँ पानी का सिस्टम होता है उस पूरे पानी में ही थोड़े से फर्टिलाइजर्स को मिला देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को, और तो वो पूरे एरिया में वो फैल जाता है, उसको आसानी हो जाती है लगाने में। अच्छा, एक जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उसका एक एग्जाम्पल है कम्पोस्ट। कम्पोस्ट जो होती है इट इज ऑब्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर, ब्लू कलर के दो डस्टबिन गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड करा रही है कि आप इसमें जो किचन वेस्ट होते हैं उनको अलग से इकट्ठा रखें। तो वो जो किचन वेस्ट है उसमें सब खाने की चीजें होती हैं, जैसे चाय की पत्ती बच गई, फल हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, और कुछ घर का खाना बच जाता है, तो वो उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। वो कंपोस्ट का काम करता है। उसमें फूलों की ये पत्तियां, सूखी पत्तियां डाल दी, तो इस तरीके से ये कंपोस्ट तैयार हो जाती है और एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। तो ये हमारे हो गए फर्टिलाइजर नेचुरल, और ये हमने आज इसके बारे में पढ़ा
और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमने सॉइल के बारे में कंप्लीट स्टडी की कि किस तरीके से हम सॉइल तैयार करनी चाहिए, उसमें खाद डालनी चाहिए, लेवलिंग करनी चाहिए और उसमें फर्टिलाइजर्स डालने चाहिए किस तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट द जो है क्रॉप प्रोडक्शन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपको हो तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं और उसका तुरंत हम समाधान करेंगे। और कोशिश कीजिए कि जो है आप जो है क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके जो है हाफयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इससे पिछले उनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड बाय।